अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद ही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की तरफ से एक मिलिट्री ड्रिल का आयोजन किया गया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि यह ड्रिल दक्षिणी पश्चिमी चीन के शिजांग में हुई थी। इस ड्रिल के दौरान रॉकेट फायर करने से लेकर कई और हथियारों का प्रयोग किया गया था। ग्लोबल टाइम्स की माने तो PLA ने देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए इस ड्रिल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। PLA की शिजांग मिलिट्री कमांड की तरफ से इस ड्रिल का आयोजन किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 15,091 फीट की ऊंचाई पर और -20 डिग्री तापमान में इस ड्रिल को पूरा करके चीनी सेना ने अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया है। इस ड्रिल में कई तरह के हथियारों को परखा गया था। रिपोर्ट की माने तो एक लॉन्चर व्हीकल की मदद से ड्रोन ने रेकी की और फिर रॉकेट सिस्टम ने अपना निशाना लगाया। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस ड्रिल में यह देखा गया कि क्या 100 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को एक सिंगल सिस्टम की मदद से कैसे भेदा जा सकता है।